Hey guys, my name is Virendra Singh. Welcome to the Smart Learning Academy. Smart Learning Academy आपके लिए लेके आया है क्रैश कोर्स, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ये सीरीज जो है वो पहले से स्टार्ट हो चुका है और अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि न्यूमेरिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, आपके एनालिटिकल टेक्निक्स, इन सब के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो कि आपके DBT-JRF, GATE एज वेल एज CSIR में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके क्रैश कोर्स को लेके आया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप उन चीजों को लर्न कर सकते हैं और इफेक्टिवली कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लेके आ सकते हैं। अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको रेगुलर जो अपडेट्स हम वीडियोस सुबह 10 बजे अपलोड करते हैं वो आपको मिल सके। और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो प्लीज अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहां पे मैं और मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी आपकी क्वेरीज को हेल्प करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्रैश कोर्स। नाउ देखना, एक क्वेश्चन फिर से फ्री एनर्जी पे है, 2017 गेट का है, ये गेट के 2000 बायोटेक्नोलॉजी 2017 द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द एटीपी हाइड्रोलिसिस इज -30 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको कट रहे होंगे, परेशान मत होइएगा, मैं रीड कर देना हूं। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट फॉर द एटीपी हाइड्रोलिसिस इज -30 किलो जूल पर मोल। द इन विट्रो कंसेंट्रेशन ऑफ एटीपी, एडीपी एंड पीआई दिया हुआ है 7.9, 1.04, 7.90 रिस्पेक्टिवली। व्हेन द इक्वलाइज सेल्स आर कल्चर्ड एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द एटीपी हाइड्रोलिसिस इन विवो इन किलो जूल। ठीक है, ये आपके आ रहे हैं कि किलो जूल पर मोल में बताना है कि क्या होगा, किसकी, एटीपी हाइड्रोलिसिस की। क्या पूछा, एटीपी सिंथेसिस और एटीपी हाइड्रोलिसिस, याद रखना जी, ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना क्या होता है, पहले एटीपी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस जब होगा तो इसका इक्वेशन होता है एडीपी प्लस पीआई, ये बनेगा एटीपी में। ठीक है, ये होता है जब सिंथेसिस हो। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है जी, अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो एटीपी के हाइड्रोलिसिस की बात करूं, अगर एटीपी के हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो ये इक्वेशन उल्टा हो जाता है, एटीपी चेंज टू द एडीपी प्लस पीआई। समझ में आ रहा है ना, ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन में ध्यान देना कि पूछा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पूछा है तो इक्वेशन नंबर कौन सा यूज होगा, पहला या दूसरा, इक्वेशन नंबर दूसरा यूज होगा और उसके लिए उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से आपकी सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। माइनस डेल्टा जी की वैल्यू दिया हुआ है -30, जी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, एटीपी इतना दिया है, एडीपी ये दिया है, पीआई ये दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, टेम्परेचर 37 से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 310, फिर वैल्यू रखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTLN के, बता चुका हूं के की वैल्यू क्या होगी फॉर द सेकंड इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी एडीपी इनटू पीआई डिवाइडेड बाय एटीपी, यहां पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1.04 इनटू 10 टू पावर -3। रखने के बाद आप इसको के को यहां पे पुट कर दो ln के पे, RT की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू इतनी आ जाएगी किलो जूल में और 310 रख देना, ये रहा किलो जूल में, पूरे पूरे वैल्यू को इस तरीके से सॉल्व करोगे आ जाएगा -47 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर, समझ में आया। सेम डेल्टा जी को छोड़ना नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, अभी तक देखा होगा डेल्टा जी को छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है जो लोग बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी टारगेट कर रहे हैं, डेल्टा जी नहीं छोड़ना। नाउ अभी देखो कुछ और क्वेश्चन, खतरनाक तरीके का क्वेश्चन बता रहा हूं, देखना, अभी इतनी बार पढ़ा चुका हूं इंटरनेशनल यूनिट और कैटल के बारे में, वन कैटल इज इक्वल टू व्हाट 6 × 10⁻⁷ इंटरनेशनल यूनिट आया बताया हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन होगा, एंजाइम यूनिट माइक्रोमोल पर मिनट, इसको मोल पर सेकंड में कन्वर्ट करो, इस तरीके से कैटल को सॉल्व करोगे, 6 × 10⁷ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आया हुआ, ये सब गेट के क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है। नाउ देखिएगा, ये और क्वेश्चन है 2016 का है, आई थिंक 16 या 15 का होगा, मोलरिटी ऑफ वाटर के बात करते हैं। देखिएगा, मोलरिटी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, एथेनॉल मोलरिटी ऑफ वाटर इन वाटर एथेनॉल मिक्सचर।
ठीक है, वाटर एथेनॉल मिक्सचर जहाँ पे 15 और 85 अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, वाटर 15 है, एथेनॉल 85 है, तो मोलरिटी क्या होगा? वाटर और एथेनॉल का मिक्सचर है 15:85, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये चीज भी बताया हुआ था कि ये क्या हो जाएगा 150:85 या 15:85, ये रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का। 15 ml वाटर 100 ml मिक्सचर में ये होता है, तो 1000 ml में ये हो जाएगा 150 ml। 150 ml जो होता है 150 ग्राम ऑफ वाटर होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी नियरली 1 होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो नियरली 1 होती है, इसलिए जितना वॉल्यूम होता है उतना ही मास होता है। मास आपको पता चल गया 150 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट पता होता है 18 है, इससे डिवाइड कर दोगे 150 डिवाइडेड बाय 18, 8.33 मोलर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अगेन, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे गेट के क्वेश्चंस है, कुछ 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 टर्म्स जो होंगे वो कट रहे होंगे, मैं यहाँ पे बता दूंगा, बस कुछ है नहीं। देखिएगा, एन इक्वलाई ऑफ द वॉल्यूम, एन इक्वलाई ऑफ द वॉल्यूम 10^-12, ये इक्वलाई का एक वॉल्यूम है जो कि इतना दिया हुआ है, कंटेन 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रैक रिप्रेसर, रिप्रेसर की बाइंडिंग एफिनिटी केडी दिया हुआ है, केडी दिया हुआ 10^-8, एंड उसके बाद दिया हुआ है दैट इज व्हाट 10^-9, ठीक है, एंड with and without lactose, with and without lactose दिया हुआ respectively, the molar concentration of repressor पूछा है। आवाज के साथ problem सबको हो रही है? Please refresh कर लीजिए, back जाके एक बार वापस आ जाइए जी। चलो solution देखने की कोशिश करना, सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना कि क्या करना है। इसमें कुछ दिया नहीं है, वॉल्यूम दिया है जिसमें 60 मॉलिक्यूल लैक रिप्रेसर के। सो देखिएगा कि 10^-12 सेंटीमीटर क्यूब को पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करो, पहले लीटर में कन्वर्ट करो, 10^-12 इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, माइनस इसको क्या आ जाएगा 10^-6 मीटर क्यूब को, जब लीटर में कन्वर्ट, मीटर पहले मीटर क्यूब फिर लीटर में मैंने कन्वर्ट किया, दैट इज इक्वल टू 10^-15 जो लीटर आ जाएगा, 10^-15 लीटर आ जाएगा। मॉलिक्यूल है 60, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है जी? मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है। मैंने इसको लीटर में क्यों कन्वर्ट कराया, क्योंकि बिकॉज दिस इज द वॉल्यूम, और मैंने बताया था मोल का एक फॉर्मूला होता है, जब नंबर दिया हो तो दैट इज द नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर, ये हो जाएगा मोल, और मोल पर लीटर वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो 60/6.023 × 10^23 × 10^-15 लीटर सॉल्व करोगे आप, आराम से क्या आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 100 nanomolar। इज इट क्लियर? नाउ उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ मसल, ठीक है, इन अ मसल, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि इन अ मसल द एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड इंट्रा सेलुलर, वही सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम का इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे जो एक डेटा कट रहा है ये डेटा है 140 nanometer, ठीक है, अभी सॉल्यूशन पे जाएंगे हम। दिया हुआ है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और पोटेंशियल -60 mV दिया हुआ है। अब पूछा गया है कि फ्री एनर्जी ट्रांसफर 3 सोडियम आयन, कितने 3 सोडियम आयन फॉर द 2 पोटेशियम आयन, तो ये एग्जैक्टली पहले आपको सिंगल के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले आपको सिंगल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर सिंगल, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 2 के लिए डेल्टा जी फॉर द सिंगल पोटेशियम, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इन्होंने थोड़ा सा ट्रिक रखा है, इट इज वन ऑफ द कहते बेस्ट क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट पे आ सकता है, ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे नहीं आ सकता, तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चंस में से है जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्वेश्चन आता है। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम पोटेशियम दोनों दिया है, उसमें भी उन्होंने 3 और 2 का ट्रांसफर भी पूछा है, कितनी एनर्जी चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा जी। सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से है, देखिएगा कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, क्या डायग्राम है आपका कि अंदर जो है सोडियम आयन, यहाँ पे देखना आप पूरा का पूरा सारा चीज दिया हुआ है, बस कुछ है नहीं, बस समझेंगे अपने आप समझ में आएगा। सोडियम का दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन
जैसा कि इनसाइड आपको पता होता है कि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा सोडियम का कम होता है, उसी हिसाब से वैल्यू दी हुई है। बाहर सोडियम ज्यादा 150 मिलीमोलर है, पोटेशियम कम है 2.7 मिलीमोलर है। सोडियम पोटेशियम पंप से 3 सोडियम बाहर आता है और 2 सोडियम अंदर जाता है। ये आपको बेसिक सोडियम पोटेशियम पंप का फिनोमिना पता है। अब इससे न्यूमेरिकल पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 आएगा। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल साई दिया हुआ है ये -60 मिलीवोल्ट दिया है, आर की वैल्यू दी हुई है, एफ की वैल्यू दी हुई है। नाउ अब फ्री एनर्जी ट्रांसफर फॉर द थ्री सोडियम के लिए मैंने क्या किया, देखिएगा कि इन टू आउट, ये इन टू आउट आ रहा है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, देखिएगा वही तो है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आउट अपॉन इन किया मैंने, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रख रहे हैं वही, ठीक है। जो कभी भी होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, आउट अपॉन इन, दैट इज डेल्टा जी फॉर द सिंगल एनए। ये डेल्टा जी किसके लिए, सिंगल सोडियम आयन के लिए है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये है 3 सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट। सारी वैल्यूज पुट कर देना आर की, उसके बाद टी की वैल्यू 298 केल्विन रखेंगे, देखिए आर 8.314, टी की वैल्यू 298, एल एन आउट का कॉन्सेंट्रेशन है 150, इन का कॉन्सेंट्रेशन है 12, इसके बाद आप जेड की वैल्यू रखोगे +1, क्योंकि एक के लिए +1 होता है, दूसरे फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ फैराडे का 96.5 और ये है 60। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 96450 क्यों नहीं रखा है, क्यों, क्योंकि किलो जूल में रखना है, ये भी किलो जूल में रखा है, यहाँ पे सारी वैल्यूज किलो जूल में रख के इसको किलो जूल में कन्वर्ट करके तब दोनों को ऐड करेंगे। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, जब ऐड करोगे तो दोनों जूल में या दोनों किलो जूल में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जूल ऐड करके कर दिया और आंसर गलत आ जाएगा, फिर यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। गेट के क्वेश्चन में मैं बार बार हमेशा समझाता हूँ, यूनिट को हमेशा साथ में लिखते हुए चलना तो कभी गलत नहीं होगा, जो जो यूनिट देता जा रहा है उसको साथ में लिखते हुए चलोगे तो कभी गलत नहीं जाएगा, या इनिशियली सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो तो उस डेटा को यूज करो जो कि एक यूनिट वाले हो, तो भी एक तरीका ही है। सो आप पुट करोगे, ठीक है जी, यहाँ पे आर जूल में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये वैल्यू, ए वैल्यू और ये, यहाँ पे आप 1000 डिवाइड कर दो, ये ऑलरेडी यहाँ पे इसको क्या है 1000 डिवाइड कर दिया गया है, जो डेटा आया ये देखिए, ये आएगा किलो जूल में, किलो जूल पर मोल यहाँ पे लिखा हुआ है, 1000 डिवाइड कर दो अभी, ठीक है जी, आर लिखा हुआ है ये, आप यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था बट डिवाइड उसी तरीके से कैलकुलेट किया गया है। सो अब इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, आ जाएगा 36.3 किलो कैलोरी। इज इट क्लियर, नेक्स्ट पोटेंशियल माइनस में क्यों नहीं है, ओके जेड एफ साई, ओके यहां पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -60 वोल्ट दिया है, अब देखिएगा कि -60 वोल्ट के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरीके से माइनस जब होता है तो पॉजिटिव और निगेटिव जाता है, तो किधर जा रहा है ये, ठीक है, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम रखते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा एक ध्यान रखना कि निगेटिव नहीं रखी जाती, ये चीज में हमेशा याद रखना कि जो निगेटिव होता है उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टर्म में नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे जा रहा है, क्या जा रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है जब ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे जब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव टर्म में रखा जाता है, पॉजिटिव टर्म में रखा जाता है, ओके पॉजिटिव टर्म में रखना जब भी सॉल्व करना इसको, तो ओके मिस मोनिका, यस देखिए अरिहंत की बुक जो है जयतीर्थ अरिहंत की बुक में आधी चीजें गलत है, अरिहंत का बुक तो फॉलो ही नहीं करो, अरिहंत तो आधा चीज गलत देता है, मैं भी कभी उससे बहुत पछता चुका हूँ, ठीक है, और इसमें जो होता है इनसाइड से है तो वो सारी चीजें क्या होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो फंक्शन होता है ना सिर्फ ये बताता है कि बाहर अंदर निगेटिव ज्यादा है बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, दैट इज व्हाट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, इसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का,
ठीक है, ये की हाँ बहुत ज्यादा वो रोल प्ले करेगा। तो ये आपके सोडियम के लिए, अब यही मूव कहाँ से कहाँ चल रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। मूव इसके लिए इधर चलेंगे, सोडियम बाहर की तरफ जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। अगर मैं आपसे लेके चलूंगा डेल्टा जी इस केस में, तो यहाँ पे देखोगे 60 अभी भी पॉजिटिव ही रखा है मैंने, 60 अभी भी पॉजिटिव ही रखा है मैंने, यहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो 60 पॉजिटिव ही होगा, जनरली अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। अगेन मैंने बताया कि अगेन दोनों अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, तो डेल्टा जी होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये होगा। और उसी तरीके से वैल्यू पुट करोगे, इन अपॉन आउट हो जाएगा इसके केस में, और ये पॉजिटिव होगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे 31.14 सेम। हे गाइस, सो होप कि आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ और क्रैश कोर्स, कुछ और ट्रिक्स, कुछ और कोर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।